है सीखने के लिए। जैसे इसमें दिया है यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यानी इकाई है ये दहाई है, इसके बाद यहाँ 100 लिखा है तो ये सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया। इधर 1/10 लिखा है, 1/10 यानी कि 1/10 भाग, और 1/100 लिखा यानी 1/100 भाग। अब ये चीज को समझ गए। अब जैसे हमें शौक है कोई संख्या लिखी, मान लीजिए हमें लिखना है कि 12.24 लिखना है, ठीक, तो 12 में इकाई कितना है 2 है, दहाई कितना है 1, और 1/10 वाले स्थान पर 2 है और 1/100 स्थान पर 4 है। कहा जाए कि इसमें 12.24 बना के दिखाइए, तो 12 हम क्या करेंगे इकाई में 2 डाल दीजिए, इकाई वाला बीचों बीच है, इसके 2 में ये डाल देंगे, ठीक है, ये डाल देंगे, ये हो गया 2 इकाई 1 दहाई, 12 बन गया। अब 12 के बाद 10.24 बनाना है, तो 10 के बाद जो 1/10 वाला स्थान है वहाँ पे 2 लगाना है, यहाँ 2 लगा दिए, ठीक, और इसमें 4 लगाना है, तो ये हो गया 4 लगा दिया, ये पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, अब तो 10 वाला नहीं पढ़े। अब देखो ये क्या बन गया, ये इसको समझिए ध्यान से, ये बीच वाला जो है वो क्या है इकाई है, कितने इकाई है 2, और दहाई कितनी है 2 इकाई 1 दहाई, कितना हो गया 12, और 10वें भाग पर 2 है और 100वें भाग पर ये 12.24 इस तरीके से बन रहा है 12.24। अब कुछ अपने से डाल दे रहे हैं फिर आपसे पूछेंगे कितना बना, ठीक, कितना हो गया 123.3 समझ में आ गया। इस चीज को सीखने के लिए ये है ना, 10वें भाग में 100वें भाग में ये आपका इकाई दहाई और तो 3 इकाई 2 दहाई 1 इकाई 123 यहाँ तक आ गया। इसके बाद 10वें के बाद 3 और 123.3 इस तरीके से बहुत सारी चीजें बना करके देख सकते हैं।